नमस्ते दोस्तों, उज्ज्वल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले भगर के आटे की रोटी। आप यदि उपवास रखते हो तो उपवास के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसकी रोटी बहुत बढ़िया बनती है और टेस्टी भी लगती है। उस रोटी के अंदर बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भगर की रोटी। इसके लिए लगभग 1 कप या 200 ग्राम मैंने भगर का आटा लिया है। ऐसे रेडीमेड आटा मार्केट में मिल जाता है, आप घर पर भी भगर का आटा बना सकते हो। इसके लिए आप मिक्सी में भगर का आटा कर सकते हो। इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाइए। देखिए, नमक मिलाने के बाद अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए नमक को, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके इस तरह से उसको गूंदना है। थोड़ी सी इसकी रोटी बनाना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन जम जाती है। देखिए, इस तरह से पानी मिलाना है आपको धीरे धीरे, और इस तरीके से आपको उसको गूंदना है। गूंदने के कारण आटा जुड़ जाता है और रोटी जल्दी से बन जाती है। थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन मेहनत का फल हरदम मीठा होता है। मेरी वाइफ इसको बना रही है, बहुत बढ़िया बनाती है रोटी। वो उसकी रोटी को नाम नहीं रख सकते अपन, इतनी बढ़िया रोटी बनाती है वो। बगर के रोटी का आटा गून के तैयार हो गया है, बहुत ही सफ़ेद दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है ये। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डालिए और इस तरह से प्रेस कर करके आपको इसकी रोटी करना है। पॉलीथिन का इस्तेमाल करके भी आप रोटी बना सकते हो। यदि आपकी रोटी इससे नहीं जुड़ती है, सेकंड ऑप्शन ऑफ पॉलीथिन लेना है। पॉलीथिन को अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसके ऊपर प्रेस कर देना है, और उसके ऊपर फिर ये रोटी रख के धीरे धीरे थपा थपा के आपको रोटी बनाना है। पॉलीथिन उठा के वैसे आपको गैस के ऊपर तवे के ऊपर डाल देना है, इससे भी बन जाती है। ये देखिए, तवे के ऊपर सेकने के लिए डाल देना है। कभी कभी टूट जाती है तो उसको आप रिपेयर भी कर सकते हो। इस तरह से पानी डाल के उसको चिपका दीजिए, बहुत बढ़िया बन जाती है रोटी। मैं तो फास्ट रखता नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे बच्चों को भी रोटी बहुत बढ़िया लगती है। इस तरह से भी थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद या 3 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर लेना है और थोड़ा सा और पकने देना है, और फिर पकने के बाद आप उसको गैस के ऊपर सेक सकते हो। ये देखिए, गैस के ऊपर रख दिया, अभी डायरेक्ट उसको अभी सेकना है। आपके घर पे चिमटा होगा तो चिमटे से पकड़ के सेक सकते हो, उससे हाथ नहीं जलते हैं। सब साइड से सेक लेना है उसको, ऐसा फुग्गा आता है, फुग्गा तो समझ लेना आपकी रोटी पक गई है। बहुत बढ़िया टेस्टी डिलीशियस रोटी बन के तैयार हो गई है, आप भी इसे बनाइए। आपको मेरा चैनल कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आपकी सब्जी रोटी कैसी बनती है कमेंट करके लिखना ना भूलिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।